देखिए, जैसे ये शैम्पू के डब्बा में मैं इतना बड़ा हो गया है, उसी तरीके से मेरे पास एक और डब्बा था तो मैं उसे भी कटिंग करके लाई हूँ और इसमें भी एक लगाई हूँ। तो देखते हैं ये भी फिर बड़ा हो जाएगा। ये तो काफ़ी बड़ा हो गया और इसमें से अब बेबी भी आने लगे हैं। देखिए ये छोटा छोटा अब स्टार्ट हो गया है इसमें से। इसी तरीके से फूल आते हैं और छोटे छोटे बेबी आते हैं। और यहाँ पे इसमें मैं लगाई हूँ, अब ये भी कुछ दिनों के बाद इसी तरीके से खूब बड़ा हो जाएगा। और इसमें अब अच्छे वाले पॉट में ना ऐसे करके लगा दूँ तो और बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये कभी भी स्पाइडर प्लांट अगर आप लगाएं ना तो छोटे ही पॉट में लगाएं। बहुत बड़े पॉट में लोग लगा लेते हैं तो सोचते हैं बड़े बड़े पॉट में लगाएं। नहीं, इसे स्पेस चाहिए, कम ही ये छोटे ही पॉट में बड़ा हो जाता है। देखिए आपके, आप खुद बताइए ये कितने पॉट में। अब देखिए इसके अंदर मिट्टी भी कितना सा, ये डब्बा देख रहे हैं इतना, लेकिन इसके मिट्टी में आधा डाली हूँ, इतना डाली हूँ। जो भी डाले, खाद डाले, नीम खली मिला के मिक्स करके कुछ अच्छा खाद वाद डाल के अच्छे से जितना भी दे कम क्वांटिटी में दे, बहुत ज़्यादा नहीं दे दे। ये मत सोचिए कि हाँ बड़े ऐसे पॉट में मैं लगा लूँगा तो बहुत अच्छा है मेरा स्पाइडल प्लांट हो जाएगा। नहीं, ये कम छोटे पॉट में आप लगाएं। मैं एक बहुत बड़े वाले पॉट में लगाई हूँ तो उसका अच्छा ग्रो नहीं है, लेकिन इसका देखिए कितना अच्छा ग्रो है। इसका ये मतलब होता है कि आप छोटे से पॉट में इसको लगाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। यहाँ पे है स्पाइडर प्लांट और ये देखिए बहुत ही अच्छा इसमें से फूल आ रहा है। ये छोटा ही ऐसा है, मैं इसमें छोटे से डब्बा को काट के कटिंग करके लगाई थी, जिसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ईजिली ग्रो होता है। इसकी 2 घंटे की इसको सुबह में आप धूप लगा दीजिए और आराम से इसको फिर छांव में भी आप रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये ग्रो करता है और बहुत ब्यूटीफुल प्लांट, बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, इसका कलर कितना प्यारा है। और मेरे पास और भी एक वैरायटी का है स्पाइडर प्लांट, चलिए आपको दिखाती हूँ। एक मेरे पास ये वैरायटी का है, आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये प्लांट। इसकी साइड साइड से थोड़ी धूप लगी थी तो हल्का ही हो गया था पत्ती, लेकिन फिर मैं इसकी कटिंग कर दी और इसका छोटा छोटा बेबी भी आता है। ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसके एक प्लांट में बहुत सारा बेबी आया है, लेकिन इसमें थोड़ा समझ में नहीं आता है लेकिन। और ये एक कटिंग करके मैं इस बोतल के डब्बे में लगाई थी और एक यहाँ भी है, इसमें भी बहुत अच्छा फूल आया। देखिए इसमें से भी बेबी आ गया, इतना छोटे प्लांट में भी बेबी आ जाता है। तो अगर आप इस आपके पास बहुत खूबसूरत खूबसूरत पॉट है तो उसमें भी आप लगाइएगा तो और भी प्यारा लगेगा। तो यहाँ पे भी है तो इसके भी इतने सारे बेबी आए हुए हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये, मैं इस तरह से इसे लटका दी हूँ और इसमें भी बेबी आ गए हैं। बहुत इजी ग्रो होता है, बहुत इजी ग्रो होता है और इनडोर प्लांट है, बहुत खूबसूरत प्लांट। देखिए एक इसमें भी मैं लगाई थी यहाँ पे इस पॉट में, इस तरह के पॉट में, तो देखिए इसमें से भी इतना सारा बेबी आया हुआ है। और यहाँ पर मैं कटिंग में भी लगाई थी, ये कटिंग से भी लगाई थी, ये इसमें इसका बहुत अच्छा इसका आ जाता है, बहुत अच्छा ग्रो होता है। और ये मैं छोटे से पॉट में भी लगाई थी इसमें, और ये इसमें भी बहुत प्यारा प्लांट, बहुत खूबसूरत प्लांट, इंडोर्स प्लांट। आप इसे टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे आराम से रूम में रख सकते हैं, कहीं पे भी है जहाँ पे आपको सजाना है कि हमको यहाँ पे सजाना है, आप आराम से इसे रखते हैं। बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है, बहुत ही। इसे मैं छोटू से मटका में भी लगाई थी तो इसमें भी है, चुटकू सा मटका में लगाई थी। बहुत ही काफ़ी इजी ग्रो होने वाला ये प्लांट है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा लगता है।